रुड़की में दो बड़े भवनों को सील किया गया, जिससे भवन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। वही मामले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि नियमों के विरुद्ध दोनों भवनों में काम करवाया जा रहा है, इसीलिए दोनों को एचआरडीए ने सील किया है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें किसी भी कर्मचारी की मिली भगत पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शहर में जो भी अवैध तरीके से भवनों का निर्माण कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हियरिंग लगा रखी है इन्होंने, आगे के फ्लोर्स भी ये लोग बना रहे हैं। ऑलरेडी इसमें एक डेढ़ महीने पहले भी आए थे, तब इनकी हियरिंग चल रही थी, तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें सामान थोड़ा सा अपना, ताकि सामान वेस्ट ना हो तो उसको इधर से उधर करने की परमिशन दे दी जाए, तो दैट वाज द ओनली परमिशन गिवन। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी हुई थी, इनकी फाइल भी उच्च अधिकारी द्वारा तलब कर रखी है पहले भी, फिर भी ये लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं यहाँ, तो अभी इसको सील किया जा रहा है। दोबारा से हम सील के आदेश लगा रहे हैं और यहाँ एक नोटिस भी लगा रहे हैं, अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ काम चल रहा है तो एचआरडी को, लोकल थाने को इन्फॉर्म करेंगे, लोकल थाने को आदेश चले जाएंगे, यहाँ कोई काम नहीं होगा। यदि काम होता है तो 188 आईपीसी और बाकी जितनी भी धाराएं लगेंगी उसमें जो एक ऑफिशियल ऑर्डर को नहीं मानने वाली रहती हैं उसके खिलाफ, उन लोग के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा।